गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के व्लॉग में मैं आपको सोनोग्राफी रिलेटेड और एक सोनोग्राफी का लाइव डेमो देने वाली हूँ। आपके लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलते हैं कि सेवेंथ मंथ का सोनोग्राफी, सातवें महीने का सोनोग्राफी, तो वो स्कैन को हम लोग ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। आपके अराउंड सात महीना कंप्लीट होने आते हैं, उसके पहले आपने फिफ्थ मंथ में एनामली स्कैन किया रहता है, बीच में ऑलमोस्ट दो महीना कुछ भी सोनोग्राफी नहीं रहती। तो ये ग्रोथ स्कैन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ग्रोथ स्कैन कब करते हैं, ग्रोथ स्कैन करते हम लोग सेवन मंथ के एंड में, मतलब ऑलमोस्ट आपको एक 29-30 वीक्स कंप्लीट हुए रहते, तो वो टाइम पे ग्रोथ देखते हम लोग बच्चे का। ग्रोथ यानी बच्चे का वजन कितना आ रहा है, बच्चे का पोजीशन कैसा है, बच्चे के अराउंड का पानी कैसा है, आपका डिलीवरी डेट कैसे आ रहा है, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग ये स्कैन में देखते हैं। तो ये हमारी पेशेंट है, इसका स्कैन मैंने प्लान किया था 1 अप्रैल को, जब भी वो 29 वीक्स कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन पेशेंट होम टाउन जा रहे हैं उसके गांव, तो वो आज है 28 वीक्स 3 डेज, तो इसका हम लोग ग्रोथ स्कैन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रोथ स्कैन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पेशेंट है, इसका टमी देखो ऑलमोस्ट 28-29 वीक्स तक दिख रहा है, जो कि मैंने फंडल हाइट के बारे में आपको बताया है, अम्बिलिकस से 4 फिंगर ऊपर उसका टमी दिख रहा है। ये हमारा सोनोग्राफी का एब्डोमिन का प्रोब है, जनरली अपने हाथ की जो मुट्ठी रहती है इतने साइज़ का ये रहता है। ग्रोथ स्कैन में लोगों का कंसर्न बहुत रहता है, मुझे बहुत सारे पेशेंट या पेशेंट के हस्बैंड पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चे का हाइट कितना है। तो आप लॉजिकली सोचो कि ये प्रोब की साइज़ कितनी है, ये प्रोब में जितना बैठेगा उतना ही अपने को ये टाइम पे दिखेगा, तो हम लोग बच्चे की हाइट नहीं ले सकते टेक्निकली। और दूसरा, बच्चा खड़ा नहीं है ये पेट में, बच्चा पूरा ऐसे फोल्ड होके क्रॉल होके ऐसा पूरा फोल्ड होके बच्चा मदर के पेट में है, तो हम लोग इंडिविजुअल पार्ट्स बच्चे के मेजर करते हैं, और वो पार्ट्स मेजर करने के बाद मशीन हम लोग को ऑटोमेटिक रीडिंग देता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ग्रोथ स्कैन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्क्रीन की तरफ देखना है। मेरा जो सोनोग्राफी का प्रोब है ये मदर के जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर है, आपको जैसे दिख रहा है ये प्रोब जो है मदर का जो टमी है वो टमी के लोअर साइड में है, मतलब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं हम लोग, पेल्विस बोलते हैं, उसके ऊपर है। तो ये प्रोब मैंने रखा है, तो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर चीज़ दिख रही, एकदम ऐसे फुटबॉल के जैसे, दैट इज़ बेबीज हेड। ये जो दिख रहा है आपको, ये बच्चे का हेड है, तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जो पोजीशन चाहिए, हेड डाउन बोलते हैं हम लोग, ये पोजीशन एक्यूरेट है पेशेंट का, तो बच्चे का हेड डाउन है। तो अभी मैं मेजरमेंट ले रही, पहला मेजरमेंट आ रहा है हेड का, बीपीडी बोलते हैं हम लोग इसको, बाईपैराइटल डायमीटर 75.3 30+1। मेजरमेंट लिया कि मशीन ऑटोमेटिक ग्रोथ देता है, मैंने सिर्फ मेजरमेंट लिए है, मशीन ने ग्रोथ दिया है 30+1। अभी नेक्स्ट मेजरमेंट है मेरी HC, इसको हेड सरकमफरेंस बोलते हैं हम लोग, बच्चे के हेड का सरकमफरेंस, HC 263.3, ये मिलीमीटर में फाइंडिंग है, 263.3 मिलीमीटर 28 वीक्स 5 डेज। अभी मैं थोड़ा ऊपर जा रही, मतलब बच्चे को ट्रेस कर रही मैं, हेड से ऊपर गए हम लोग, ये बच्चे का नेक है, नेक से ऊपर गए, ये बच्चे के हार्ट बीट दिख रहे, ये बच्चे का स्पाइन है, अभी बच्चे के एब्डोमेन का सरकमफरेंस ले रही, ये जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है ये बच्चे के टमी का सरकमफरेंस है। अभी ये बच्चे का टमी का सरकमफरेंस देख के मुझे थोड़ा कम लग रहा है, अगर ये कम रहा तो बच्चे का वेट कम निकलता है, इसको AC बोलते हैं हम लोग, एब्डोमिनल सरकमफरेंस, जो मैंने सोचा था वैसे ही है, एब्डोमिनल सरकमफरेंस 219.3 मिलीमीटर 26 वीक्स 3 डेज। देखो ऑलमोस्ट 2 वीक्स का डिफरेंस आ रहा है, बच्चे का हेड सरकमफरेंस आ रहा है 28 वीक्स के रेंज में, और बच्चे के टमी का सरकमफरेंस आ रहा है 26+3। फीमर लेंथ लेते हैं, FL 51.6 27+4। अभी मैंने बच्चे के चारों मेजरमेंट लिए, रिपोर्ट पेज प्रेस किया मैंने, मशीन ने मुझे ऑटोमेटिक रीडिंग दिया है। तो ये जो दिख रहा है ये बच्चे का वेट है, बेबी वेट 1046 ग्राम, मतलब ये बच्चे का वेट है अराउंड 1 किलो। ग्रोथ अगर आप पूछेंगे तो बच्चे का ग्रोथ है 27 वीक्स 0 डेज एवरेज, और EDD इसकी वजह से आगे जाती क्योंकि बच्चे का वेट कम आता है, 15th of June। अभी हम लोग देखने वाले हैं प्लेसेंटा का पोजीशन,
ये जो वाइट आपको डार्क पैच दिख रहे हैं, ये जो है दिस इज प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और ये जो ब्लैक कलर है दैट इज लाइकर, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये मैं राइट लोअर क्वाड्रेंट ले रही, उसका हाइट ले रही 2.7, ये राइट अपर लिया मैंने, ये लेफ्ट अपर लिया, और मैंने चारों का टोटल किया। तो लाइकर इज एडिक्वेट, AFI 15 सेंटीमीटर। और अभी हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं बच्चे के हार्ट बीट। हार्ट बीट है 166 सेंटीमीटर। बेसिक 130 टू 160 के रेंज में रहता है, लेकिन जब भी बेबी मूवमेंट करता है तो हार्ट बीट थोड़े बढ़ जाते हैं। देखो, तो ग्रोथ स्कैन में हम लोगों ने क्या देखा, पोजीशन देखी, बेबी का हेड डाउन है, ओके। फिर हम लोग बेबी को ट्रेस कर रहे हैं, ये बच्चे का नेक है देखो, इस तरफ बच्चे के बैक है, इस तरफ आए हम लोग मदर के राइट में बच्चे के हाथ पैर है, पानी अच्छा है बच्चे के अराउंड का, हार्ट बीट अच्छे है, सिर्फ वेट थोड़ा सा कम है। तो ये मदर को प्रोटीन डाइट इम्प्रूव करना पड़ेगा, बाकी इसका ग्रोथ स्कैन अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ग्रोथ स्कैन का अपना लॉक था कि ये 7th मंथ की जो ग्रोथ स्कैन की सोनोग्राफी है, इसमें हम लोग बेसिक क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये सोनोग्राफी हम लोग कैसे करते हैं, आपके डॉक्टर आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट देते हैं, आप घर जाके पढ़ते हो लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ये लॉग देखने के बाद आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि ग्रोथ स्कैन यानी क्या रहता है, उसमें आपके डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे ये पेशेंट में बच्चे का वेट अभी कम आया है, तो ये पेशेंट को मैं अभी हाई प्रोटीन डाइट और बढ़ाऊँगी, मैं बेसिक प्रोटीन पाउडर 2 बार देती हूँ लेकिन मैं उसका प्रोटीन का इंटेक और बढ़ाऊँगी ताकि बच्चे का वेट और बढ़ेगा। तो होप आपने ये लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू।